जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी, मरीज व तीमारदारी इलाज के लिए भटकने को मजबूर। इन दिनों वायरल फीवर व डायरिया से लोग परेशान। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए समय समय पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन श्रावस्ती जिले में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई दिखाई दे रही है। संयुक्त जिला चिकित्सालय भिंगा पर रसूख व पहुंच वाले चिकित्सक आए दिन अपनी ओपीडी से गायब रहते हैं, जिससे मरीज व उनके तीमारदार को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जब सीएमएस की व्यवस्था को लेकर बात करने का प्रयास किया जाता है तो साहब का फोन नहीं उठता। इस संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह को फोन कर सूचना दी गई तो फिर क्या था, सीएमओ साहब संयुक्त जिला चिकित्सालय भिंगा पर भ्रमण के लिए पहुंच गए और मरीजों की भीड़ को देखते हुए चल रही ओपीडी का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर साहब गायब थे। ये सब देखकर सीएमओ साहब सीएमएस के चैम्बर में पहुंच गए, जहां पर जिला अस्पताल के स्टाफ से सीएमएस को फोन करने को कहा। काफी प्रयास के बाद भी सीएमएस साहब का फोन नहीं उठा और सीएमओ साहब वापस अपने कार्यालय के लिए लौट गए, जिसे समझा जा सकता है कि सीएमएस डॉक्टर राम गोपाल से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभल रही है। जबकि योगी सरकार बार बार अस्पतालों के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त है। बताते चले कि जिला मुख्यालय भिंगा के सती चौर मोहल्ले में डायरिया से 5 लोगों की हाल ही में मौत होने से लोगों में दहशत का माहौल है, जिस पर अभी भी स्वास्थ्य महकमा द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। ऐसे में संक्रमण बीमारी अपना पैर पसार रही है, जिस कारण जिला अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 1000 से अधिक मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि योगी सरकार व्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं।